I'll call it institutional blame, institutional failure on part of Punjab police, because nobody acts in isolation in such serious matters. इसके लिए दोस्तों देखिए राजनीतिक नेतृत्व को और पुलिस नेतृत्व को देना पड़ेगा। एक पुलिस अफसर की हैसियत से मुझे शर्म आती है कि आज हमारी ये हालत हो गई कि हम प्राइम मिनिस्टर को स्मूथ पैसेज नहीं दे सकते। इस देश की एक जबरदस्त असैसिनेशन से बच गए, बाल बाल बच गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतनी देर पुल पर रहे, पुल के नीचे कुछ भी आप एटम बम कर सकते हैं। इट्स नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ स्टेटिंग दैट इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट देयर वाज अ लैप्स बाय पंजाब पुलिस। I don't think SPG can be held responsible for this lapse. I feel that it was the fault of the Punjab police. It is a shameful thing. We are a world power and our Prime Minister is held up on a flyover. The route should have been secured by the Punjab police much earlier. Punjab police ka ikbal abhi itna kam ho gaya hai ki उनकी इजाजत के बगैर लोग बाग इतनी बड़ी संख्या में ट्रॉली लेकर सड़कों के ऊपर जुट गए, पूरा रास्ता रोक दिया। ये एक बहुत बड़ी चूक है और ऐसी चूक बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है डेमोक्रेसी में।